महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में गोलघर के चेतना तिराहे पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी व्यापक परामर्श के गलत नीतियों को देश की सेनाओं पर थोपा जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में तमाम लोग एवं युवक नाराज हैं जो सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना देख रहे थे। अग्निपथ योजना जो सैनिकों के भर्ती के लिए लाया गया है, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। 4 साल की अग्निपथ योजना में देश के नौजवानों एवं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को वापस ले और जिस तरह से भर्ती की पुरानी परंपरा चली आ रही है वह फिर से लागू किया जाए। इस अवसर पर अनवर हुसैन, आशीष पांडे, दिलीप निषाद, देवेंद्र निषाद, अशोक कश्यप, प्रभात चौबे, राहुल राय सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, हमारी मांगे पूरी करो, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, अग्निपथ वापस करो, हमारी मांगे पूरी करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अग्निपथ वापस करो, वापस लो, वापस लो, युवाओं के साथ अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, उनको सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, सैनिकों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, सैनिकों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अग्निवीर योजना जो सैनिक भर्ती सरकार ने लागू किया है, इसके विरोध में और जो इस देश के तमाम युवा इस भर्ती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश है, उनके समर्थन में आज हम सभी लोग गांधीवादी तरीके से यहां सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, ताकि यह सरकार इस देश के नौजवानों और देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ न करे और ये अग्निवीर भर्ती योजना वापस ले और जिस तरह से पुरानी परंपरा भर्ती की चली आ रही थी वह फिर से लागू हो। ये नई भर्ती योजना ला करके सैनिकों का अवमूल्यन किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यह धरना कर रहे हैं। सैनिकों का अपमान हम लोग नहीं होने देंगे। राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस भर्ती के विरोध में और सैनिकों के सम्मान में, युवाओं के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यह शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं।